तो दोस्तों बुलेट ट्रेन से जुड़ी काफी चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है। अब मुंबई से अहमदाबाद की दूरी को कम करने के लिए हम बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, जमीन अधिग्रहण, फिर बाद में एनवायरमेंट, लैंड एक्विजिशन तो काफी बड़ा मुद्दा बना बैठा है महाराष्ट्र में। तो ये इस प्रॉब्लम सॉल्व हो ही रही थी कि अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। दरअसल जापान यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाले अपने इंजीनियर्स और जो भी इनके कंसल्टेंट्स हैं, इनकी कमाई पर लगने वाले इनकम टैक्स को लेकर अभी काफी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है भारतीय सरकार के सामने। जापान का यहाँ पर कहना है कि ये जो टैक्स है इनके कंसल्टेंट पर लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, ये कोई सेंस नहीं बनता है, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग से जुड़ा सभी काम संभाल रहे हैं। अब ये सब तो उन्होंने कह ही डाला, इसके अलावा उन्होंने इस मुद्दे का समाधान न होने पर इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट में देरी भी आ सकती है, इसकी चेतावनी भी दे दी। सो भारत के लिए यहाँ पर सीधी सीधी चेतावनी जापान की तरफ से डाल दी गई है। इसके पीछे जापान का ऐसा तर्क है कि ये जो प्रोजेक्ट है जापानी सरकार की तरफ से ही इन्हें ग्रांट दिया जा रहा है भारत को, सो ऐसे समय में हमारे ही कंसल्टेंट पर इनकम टैक्स लगाया जाए ये कोई बात नहीं बनती। वैसे आपको बता दें कि 2022 में जो फाइनेंस बिल पास किया गया था उसके नए रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंसल्टेंट को भी कुछ पे करना पड़ेगा एज एन इनकम टैक्स फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। दो जापानीज कंपनी जिसमें जापान इंटरनेशनल कंसल्टेशंस और जेई शामिल है, ये लोग ने डिजाइनिंग का टास्क ले रखा है अब भारत की जो बुलेट ट्रेन होगी उसका। यहाँ पर जापानी सरकार ने भी काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्लॉज दिखा दिए हैं जो भारत की है इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया को लेकर। यहाँ पर 8A, 8B, 9th क्लॉज ऑफ सेक्शन 10 सब इन्होंने दिखा दिया है। वैसे मुसीबतों का सिलसिला यहाँ पर थमा नहीं है भारत की बुलेट ट्रेन के लिए, अब और भी क्या चैलेंजेस होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे इस तरह के प्रॉब्लम को लेकर आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिएगा।